गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स स्टेम एंड लीव्स। यानी प्लांट्स को हम किससे ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, रूट से, स्टेम से एंड लीव से। प्लांट्स आर अमेजिंग, दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड बट ऑल्सो विथ हेल्प ऑफ देयर रूट्स स्टेम एंड लीव। प्लांट एक अमेजिंग है, आश्चर्यजनक है, और दे कैन ग्रो नॉट ओनली, हम उनको सीड से ही नहीं उगा सकते बल्कि हम उसे रूट, स्टेम और लीव से भी उगा सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम रूट, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, डहलिया एंड टर्निप कैन ग्रो इट न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट्स। हम इनकी रूट्स को यदि जमीन पे वापस लगा दें तो ये उग जाते हैं। जैसे कैरेट हुआ, गाजर हुई, उसके नीचे के पोर्शन को हम वापस उसकी मिट्टी के अंदर लगा दें तो और कैरेट उग जाती है। फ्रॉम स्टेम, मैनी प्लांट लाइक रोज, मनी प्लांट, शुगर कैन कैन बी ग्रो फ्रॉम देन स्टेम कटिंग। अब ये क्या होता है, कुछ प्लांट जैसे रोज हुआ, मनी प्लांट हुआ, इसकी यदि हम स्टेम कटिंग करके, इस तरह से हम स्टेम कटिंग्स करके, जैसे ये रोज है, रोज की कटिंग करके हम इसे मिट्टी में लगा दे तो क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। फ्रॉम ए अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे पोटैटो, एन अंडरग्राउंड स्टेम हैंड बर्ड्स कॉल्ड आईज विच गिव राइज ए न्यू प्लांट। आपने देखिए पोटैटोज के अंदर इस तरह से देखा होगा, आप अपने घर में देखिएगा, यदि हम इसी पोर्शन को कट करके उसमें उगा दें, किसमें, मिट्टी में, सॉइल में, तो क्या होगा, इससे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फ्रॉम लीव्स, लीव से कैसे होता है, सम लीव्स लाइक ब्रायपोलियम ग्रो न्यू प्लांट्स ऑन इट्स एजेस, दीज प्लांट्स लेट्स फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम मिट्टी के अंदर दबा दें तो वो क्या होता है, एक नई पत्तियां उग के एक प्लांट उग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इज रायप्लोम लीव। अब नेक्स्ट इज फ्रॉम स्पोरस, सम प्लांट्स लाइक मशरूम एंड फंगी डू नॉट हैव एनी सीड, इसका कोई सीड नहीं होता है, ठीक है, दे आर प्रोडक्ट स्पोर्स ईच इन विच ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट। ये क्या होता है, अपने आप ही इनको प्रॉपर एनवायरमेंट मिलता है तो ये क्या होते हैं, अपने आप उग जाते हैं, जैसे कि स्पोर्स इन फंगी। नेक्स्ट इज क्रॉप एंड एग्रीकल्चर, क्रॉप यानी अनाज और एग्रीकल्चर यानी जो हम खेतीबाड़ी और ये सब करते हैं वो। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर एंड एक्सेट्रा। प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड यानी खाना, ऑक्सीजन, मेडिसिन और टिम्बर्स एक्सेट्रा। ए टू अस वी ग्रो प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल so that we can get enough food and other product to fulfill our need, means we grow plant on a large scale so that we can get enough food and other product to fulfill our need। हम जब plants को बहुत large scale पर develop करते हैं या grow करते हैं तो we can enough food, वो हमारे लिए enough होता है, and the product fulfill, और वो हमारी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। This practice of a growing plant a large scale of food of other product and are called agriculture। जब हमारे लिए बहुत लार्ज स्केल पर फूड का प्रोडक्शन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। द प्लांट दैट आर ग्रो इन लार्जर क्वांटिटीज एंड पर्टिकुलर एरिया ऑफ रीजन एट ए पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड क्रॉप। जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सीजन में जब हम क्रॉप्स यानी अनाज उगाते हैं, जैसे गेहूं के सीजन में गेहूं, बाजरे के सीजन में बाजरा, ठीक है, द पर्टिकुलर एरिया इन विच क्रॉप इज ग्रो इन कॉल्ड ए फार्म, तो हम उस एरिए को जहां पे अनाज उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फार्म। एंड द पर्सन हु वर्क्स इन फार्म एंड नाउ एज ए फार्मर, और जो व्यक्ति वहां पे काम करता है उस फर्म के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, फार्मर। डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, अब डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर कौन कौन सी है, ग्रोइंग क्रॉप्स इनटू इजी टास्क, ये कोई बहुत सरल कार्य नहीं है, देयर आर सर्वल स्टेप इन्वॉल्व इन इट, दीज स्टेप आर नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस द वेरियस स्टेज ऑफ ए क्रॉप प्रोडक्शन एज ए गिवन बिलो। अब एग्रीकल्चर के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अब हम नीचे देखते हैं। द फील्ड इज प्लग्ड, अब क्या कर रहा है, इसके अंदर हम प्लग्ड कर रहे हैं यानी हम जुताई कर रहे हैं, होता है ना मिट्टी की जुताई करते हैं, एक नई फसल तैयार हो जाती है उसकी मिट्टी। फिर मैन्योर इज एडेड ऑफ द सॉइल, फिर हम मैन्योर मतलब खाद को एड किसमें कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर। सीड्स आर स्वॉन, अब हम सीड्स को क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं। द क्रॉप्स
आर वाटर्ड और ए फील्ड ऑफ इरीग्रेट। और अब हम क्या कर रहे हैं, जब फसल थोड़ी सी तैयार होगी तब उसको पानी दे रहे हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट ऑफ क्रॉप। अब पेस्टिसाइड्स क्या होता है कि कीटाणुनाशक दवाई होती है जिसे हम अनाज पे डालते हैं जिससे वो प्रोटेक्ट हो सके। एंड फिर क्या है, द क्रॉप आर हार्वेस्टिंग। उसके बाद क्या होता है, हम हमारी फसल तैयार हो जाती है और हम उसे कट कर देते हैं, यानी काटने के लिए वो तैयार है, हम उसे काटते हैं। थैंक यू।